सरकारों की कमियां, सरकार लोगों को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही है, एक के बाद एक झूठ बोल रही है, एक के बाद केजरीवाल की फ्री योजना चल रही है, दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री, बस फ्री, मेट्रो फ्री, प्याज फ्री। तो मैंने आज ये पूछा है कि धनिया फ्री क्यों नहीं, 400 रुपये किलो बिक रहा है, लहसुन फ्री क्यों नहीं, 400 रुपये किलो बिक रहा है, चीनी फ्री क्यों नहीं, 55 रुपये किलो बिक रही है, आटा फ्री क्यों नहीं जो 34 रुपये किलो बिक रहा है, मटर फ्री क्यों नहीं जो 150 रुपये किलो बिक रही है, अदरक फ्री क्यों नहीं जो 200 रुपये किलो बिक रही है, रोजगार क्यों नहीं, तनख्वाह 10,000, चलान 25,000, 40,000, रोजगार है नहीं, झुग्गी झोपड़ियों पे कैर खोखा मार्केट, रेडी पटरी वालों को उजाड़ा जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का जबरदस्ती रिटायरमेंट किया जाएगा, सफाई कर्मचारी माली चौकीदार बेलदार की तनख्वाह नहीं दी जाएगी, लाडली स्कीम पास नहीं होगी, एक भी राशन कार्ड नहीं बनेगा, झुग्गी वालों को फ्लैट नहीं मिलेंगे, पेंशन नहीं मिलेगी, बेटी की शादी में पैसा नहीं मिलेगा, तो सरकार किस बात की, किस चीज की फ्री, क्या फ्री है, काम धंधे है नहीं, इंडस्ट्री एरिया बंद कर दिया, सरकारी नौकरी खत्म कर दी, ताली बजाने वाले को होमगार्ड में, फलाने में, ढिकड़े में, मार्शल्ला एक धक्का देते तो कई दिन तक तो चार पैसे नहीं उठे, ऐसे मार्शल्ला भर्ती कर रहे। मोदी सरकार कहती है कि नौजवान चाय बेचो पकौड़े बेचो, केजरीवाल की सरकार कहती है टोपी पहनो और ताली बजाओ, ऐसे तो देश नहीं चलेगा, ना दिल्ली चलेगी। तो कांग्रेस ने इस देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, कांग्रेस इस देश की बलिदानियों की पार्टी है, कांग्रेस ने इस देश की हिफाजत के लिए जंग लड़े हैं, कांग्रेस ने इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए फैसले किए, कांग्रेस ने देश की आज़ादी के साथ किसानों की हिफाजत के लिए योजनाएं बनाई हैं, कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण बड़े से बड़े कार्य किए, कांग्रेस ने बड़े बड़े डैम बनाए हैं, धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, महंगाई जड़ से खराब करेंगे, और केजरीवाल की 15 लाख कैमरे लगाएंगे, 500 स्कूल बनाएंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए, आम आदमी है पहली टोपी, हमें अन्ना हजारे दूसरी टोपी, हमें आम आदमी तीसरी टोपी, जन लोकपाल चौथी टोपी, समय चाहिए। क्या कांग्रेस में बहुत बड़ी लीडरशिप है, कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के पास इतिहास है, आम पार्टी बीजेपी के पास कोई इतिहास नहीं है, बीजेपी के लोगों ने देश के पीछे आज तक एक डंडा भी नहीं खाया, बीजेपी का तो आज तक कुत्ता भी नहीं मरा, और केजरीवाल साहब ये कहते हैं हमारी आंदोलन से निकली पार्टी है, तुमने चीन की लड़ाई लड़ी हो, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी हो, बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी हो, तो केजरीवाल साहब किस बात के आंदोलन की पार्टी है, मैं तो केजरीवाल साहब से पहले पैदा हुआ हूँ, उससे ज्यादा सियासत में आया हूँ, उससे ज्यादा बार जीता हूँ, और अकेला भी दिल्ली में कांग्रेस में मैं जीत गया, और कांग्रेस के 5, 7, 10 सीट, 15 सीट भी आ गई, आने वाला समय दिल्ली के लोगों का होगा, युवाओं का होगा, महिलाओं का होगा, किसानों का होगा, गरीबों का, सरकारी कर्मचारियों का, व्यापारियों का होगा, और भाई नौजवानों के सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ महिला का होगा, और कांग्रेस का दिल्ली होगी और देश होगा, ये मैं आपके साथ दावा करना चाहता हूँ। अभी कहना है अरे कि जो केजरीवाल साहब कल संजय गांधी में कल उद्घाटन करने आ रहे हैं, उनसे पूछूंगा, पूछ लो कि डॉक्टर तो है ही नहीं दिल्ली में अस्पतालों में, और जो है उसके बाद टीचरों की पढ़ाई की बात करते हैं, टीचर नहीं है, और जो NRC की बात इसने कही है कि लोग बाहर से आए हुए बिहार से उत्तरांचल के लोग, तो केजरीवाल साहब कहाँ से हैं, वो दिल्ली के निवासी है, वो भी तो फिर बाहर से आए, ऐसी बातें कहना केजरीवाल के लिए, राम पार्टी के लिए घातक है, बिहार हो चाहे राजस्थान हो, दिल्ली पूरे देश की है, पूरे दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं, उनका सब पूरे देश के लोगों का दिल्ली पे अधिकार है, केजरीवाल साहब ने माफ़ी मांगनी चाहिए, ये चुनावी मुद्दा बन गया है कि उत्तराखंड उत्तरांचल और बिहार के लोग हमारे भाई हैं और हमारे भाई थे और रहेंगे।